हेलो नमस्ते सस्त्रीकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? तो स्वागत करता हूं आप सभी का गाइस आज एक ट्यूटोरियल वीडियो में, जहां पर गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पोकेमोन अनबाउंड 2.0 को, ठीक है, अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा दिमाग खराब करने वाली चीज़ें, बिकॉज तुम्हें पैच की जरूरत पड़ेगी इसको 2.2 वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी, सारी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तुम्हें बस पढ़ना है कौन सी लिंक से कौन सी चीज़ खुलने वाली है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले गाइस माय बॉय और जेडाई का एवा को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद तुम चाइल्ड फाइल्स को डाउनलोड कर लो, दो फाइल्स तुम्हें मिलेंगी, उन दोनों फाइल्स को तुम्हें डाउनलोड करना मस्ट है गाइस, ठीक है। उसके बाद तुम्हें गाइस इन दोनों को डाउनलोड करना है, ठीक है, पोकेमोन अनबाउंड ऑफिशियल पैच, ठीक है, 2.0 प्लस जिप वाला, ठीक है, और ये फायर रेड यू वाला तुम्हें करना है, ठीक है, डाउनलोड। इसके बाद तुम्हें इन दोनों को गाइस एक्सट्रैक्ट करना है। देखो तो गाइस दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो भाई अब तुम्हें यहाँ पे जो भी काम करना है तुम लोग बता देता हूँ। यहाँ का जो फायर रेड वाला जो फोल्डर है, इसका जो मैं पोकेमोन फायर रेड जो GB है, इसको तुम्हें करना है गाइस यहाँ से कॉपी, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ पे इसकी मदद से वापस इस फोल्डर में आना है, फिर तुम्हें वापस इस जगह पे आना है और यहाँ जाके तुम्हें अनबाउंड के फोल्डर में जाके गाइस इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद तुम्हें गाइस यहाँ जो पोकेमोन अनबाउंड है इसको तुम्हें होल्ड करना है और यहाँ से तुम्हें गाइस इसको रीनेम करना है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा पोकेमोन अनबाउंड ऑफिशियल, इसको तुम्हें गाइस कॉपी कर लेना है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बाकी इसका नाम मत छेड़ना कुछ भी। जो तुम्हें पोकेमोन फायर रेड दिख रहा होगा इसमें जाके तुम्हें रीनेम करना है, यहाँ पे गाइस तुम्हें पेस्ट कर देना है ये नेम, ठीक है, उसको ओके कर देना, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब तुम्हें गाइस सीधे माया बॉय एमुलेटर खोलना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें गाइस माया बॉय एमुलेटर में जाके सेलेक्ट कर लेना है वही डेस्टिनेशन तुम्हारी, जैसे मेरी अनबाउंड का मैंने फोल्डर बनाया था। उसके बाद तुम्हें गाइस अपना वही पैच फोल्डर खोलना है, यहाँ से मिल जाएगा पोकेमोन अनबाउंड। उसके पहले गाइस तुम्हारी एक सेटिंग ऑन होनी चाहिए, यहाँ पे सेटिंग में जाके तुम्हें यहाँ पे माइसिक फाइल्स में रोम पैकिंग का गाइस तुम्हारे पास ऑप्शन पे टिक होना चाहिए गाइस, ठीक है। ऑटोमेटिकली गाइस ये फाइंड कर लेगा तुम्हारा, ठीक है, रोम पैचिंग होनी चाहिए पर तुम्हारी। तो इतना हो जाए तो बस तुम्हें बस बैक करना है और यहाँ से पोकेमोन अनबाउंड ऑफिशियल GB पे क्लिक कर देगा तुम्हें यहाँ पे, और तुम्हारा गेम गाइस शुरू होने वाला है। देख सकते हो गाइस वर्जन 2.0.2 दिखा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस इस तरह से अपना तुम लोग खेल सकते हो, ठीक है, पोकेमोन अनबाउंड, और उसको तुम रैंडमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये देख सकते हो गाइस कैरेक्टर चूज करने का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे तुम्हें एनहांसमेंट ऑप्शन का पूछ रहा है, तुम्हें यस करना है, यहाँ से तुम रैंडमाइज कर सकते हो। बाकी तुम अगर और कुछ देखना तो गाइस मेरे गेम प्ले भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, कैसे तुम्हें रैंडमाइज करना है ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे पोकेमोन मिल जाए, ठीक है। तो गाइस इस तरह से तुम लोग खेल सकते हो गाइस पोकेमोन अनबाउंड को भाई, ठीक है। तो यार गाइस अगर तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो इस वीडियो को गाइस लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो वीडियो देखो तुम्हें मज़ा आया हो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाइस, बिकॉज तुम्हारा क्या ही जाता है, ठीक है, क्या ही जाता है, ठीक है। तो मैं बताऊँ तुम लोगों से गाइस इसके गेम प्लेस में, ठीक है, तब तक के लिए कैसे तो ध्यान रखना और मजी करना गाइस, मजी करना, मौज ही मौजा करो गाइस, मौज ही मौजा करो, ठीक है। सो बाय गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।